वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्या रोमन रेंस वर्सेस सैमी जेन हमें रसलमेनिया 39 के लिए देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले कि क्या रॉयल रंबल की रेटिंग्स थी डेव मेल्जर की तरफ से, इसको भी लेकर अपडेट देखने को मिली है, इस बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जॉन सीना का रसलमेनिया का क्या प्लान हमें देखने को मिलेगा, रोंडा राउजी को भी लेकर अपडेट है। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स होंगी इस वीडियो के अंदर, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहां पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं। एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं डेव मेल्टजर के रेटिंग की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि रॉयल रंबल 2023 जो हमें देखने को मिला, इसमें जो हमें रेटिंग्स देखने को मिली डेव मेल्टजर की तरफ से, तो फर्स्ट जो हमें देखने को मिला मेंस रॉयल रंबल मैच, तो इसको 5 में से 4.25 की रेटिंग मिली डेव मेल्टजर की तरफ से। और ब्रे वाइट वर्सेस एले नाइट का जो मैच हमें देखने को मिला था, पिच ब्लैक मैच, इसको 5 में से 0.75 की स्टार देते हुए दिखाई दिया डेव मेल्टजर। एंड बियांका ब्लेयर वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के मैच को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी है। और वुमेन्स रॉयल रंबल को यहां पर 5 में से 3.5 रेटिंग मिली है। और डेव मेल्टजर ने जो कि ब्लड लाइन का सेगमेंट हमें देखने को मिला था सैमी जेन और केविन ओवेंस को मारने का, जो हमें ब्लड लाइन अटैक करते हुए दिखाई दी थी, तो इसको जो रेटिंग दिया है डेव मेल्टजर ने वो 5 में से 5 दिया है। यानी कि 5 में से 5, टोटल 5 यहां पर रेटिंग मिली है ये एंड वाले सेगमेंट को लेकर, जो कि हमें ब्लड लाइन के बीच में देखने को मिला था। तो ओवरऑल ये कुछ मेंस रॉयल रंबल एंड ओवरऑल रॉयल रंबल को लेकर रेटिंग है डेव मेल्टजर की। वैसे आपकी क्या रेटिंग है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मेल्टजर की ये कुछ रेटिंग देखने को मिल रही है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है रोंडा राउजी के रसलमेनिया प्लान्स को लेकर। तो डेव मेल्टजर की तरफ से रिपोर्ट हमें यहां पर देखने को मिलती है कि रोंडा राउजी का जो रसलमेनिया का हमें प्लान्स देखने को मिलेगा 39 के लिए, वो होगा एक टैग टीम मैच, यानी कि वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच हमें देखने को मिलेगा, जहां पर रोंडा राउजी और सैना बेजलर हमें रसल करते हुए दिखाई देंगी डकोटा काय इयो स्काई के अगेंस्ट में फॉर दी वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए। तो ये कुछ प्लान्स देखने को मिलने वाला है रोंडा राउजी एंड ऑल्सो सैना बेजलर को लेकर। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स कॉमेंट में जरूर बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है पैट मैकाफी, बैड बनी एंड ऑल्सो लोगन पॉल को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि रिपोर्ट्स हमें यहां पर ये देखने को मिल रही है कि WWE प्लान कर रही थी पैट मैकाफी वर्सेस बैड बनी वर्सेस लोगन पॉल, यानी कि इसको लेकर डिस्कशन देखने को मिली थी, कंफर्म कोई नहीं था। लेकिन यहां पर अभी करंटली इस थिंग को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अब हमें यह मैच देखने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली लोगन पॉल अब हमें सेथ रॉलिंस के साथ में उनकी फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो पैट मैकाफी हो सकता है किसी और से रसल करते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन WWE इस मैच को लेकर डिस्कस कर रही थी पहले, जो कि हो सकता था लेकिन अब नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स कॉमेंट में बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जॉन सीना के रसलमेनिया 39 के प्लान्स को लेकर। सो डेव मेल्टजर डिस्कस करते हुए दिखाई देते कि जो जॉन सीना के रसलमेनिया के प्लान्स हैं वो हमें ऑस्टिन थियरी के साथ में ही देखने को मिलेंगे, वो विदाउट टाइटल भी हो सकता है, टाइटल के साथ में भी हो सकता है, लेकिन जो मैच हमें देखने को मिलेगा जॉन सीना का वो रसलमेनिया 39 में ऑस्टिन थियरी के ही साथ में देखने को मिलेगा। अब लेट्स सी यहाँ पर ऑस्टिन थियरी अपनी टाइटल जो कि एलिमिनेशन चेंबर में रिटेन कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, रिटेन करेंगे तो जॉन सीना के साथ में हमें US टाइटल के लिए मैच देखने को मिल सकता है, अगर नहीं रिटेन कर पाए तो हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। वेल ओवरऑल ये कुछ अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जॉन सीना और ऑस्टिन थियरी को लेकर। WWE करेंटली ये प्लान कर चुकी है और ये लॉक्ड है जॉन सीना वर्सेज ऑस्टिन थियरी रसलमेनिया 39 के लिए, ये हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है रोमन रेंस और सैमी जेन को लेकर। तो इनको लेकर भी डेव मेल्टजर की तरफ से अपडेट देखने को मिलता है, जहां पर इनका यह कहना है कि सैमी जेन को एज अ रसलमेनिया हेडलाइनर, जो कि WWE नहीं देखती, यानी कि विंस मैकमैन और ट्रिपल एच दोनों ही नहीं देखते कि सैमी जेन हमें रसलमेनिया को हेडलाइन करते हुए दिखाई देंगे। दैट मींस कि यहां पर हमें रोमन रेंस वर्सेस सैमी जेन नहीं देखने को मिलेगा, जो कि रसलमेनिया 39 के अंडर इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि ट्रिपल एच और विंस मैकमैन दोनों ही नहीं देखते कि यह सुपरस्टार रोमन रेंस के साथ में रसलमेनिया 39 में हेडलाइन करते हुए दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ यहां पर रिपोर्ट देखने को मिल रहा है डेव मेल्टजर की तरफ से। एंड आई थिंक मुझे भी चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेज सैमी जेन ये हमें देखने को मिले रसलमेनिया 39 के लिए। वैसे इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है कि सैमी जेन एक काफ़ी परफेक्ट अपोनेंट होंगे एट रसलमेनिया 39
ओवर दी रोमन रेंस या फिर कोई और सुपरस्टार हमें देखने को मिलने चाहिए, इसके ऊपर भी आपके थॉट्स कमेंट में जरूर बता देना। एंड अगले अपडेट की तरफ चलते, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। सो डेव मेल्टजर कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो ब्रॉक लेसनर के प्लान्स है एलिमिनेशन चेंबर रसलमेनिया 39 के लिए, वो दोनों बॉबी लैशली के ही साथ में देखने को मिलेंगे। यानी कि थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा था कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ब्रॉक लेसनर आएंगे तो किसके साथ रसल करेंगे, ब्रॉक वर्सेस बॉबी अगर एलिमिनेशन चेंबर में भी देखने को मिलेगा तो ब्रॉक वर्सेस बॉबी हमें रसलमेनिया में मिलेगा, तो ऐसे में ये बहुत सारा मैच हो जाएगा ब्रॉक वर्सेस बॉबी का। लेकिन करंटली डेव मेल्टजर का यही कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के यही प्लान्स है कि ब्रॉक वर्सेस बॉबी एलिमिनेशन चेंबर में भी हमें कुछ सेगमेंट टाइप का मे भी देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिले एलिमिनेशन चेंबर में और जो मैच हमें देखने को मिले वो रसलमेनिया 39 में देखने को मिले। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर हमें क्या कुछ करते हुए दिखाई देती है। ओवरऑल इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या है, क्या ओपिनियंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहां पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। और बहुत ही स्पेशल सीरीज आने वाली है बहुत ही जल्द, द डर्ट शीट टॉक संडे को आई थिंक मैं डालूंगा, तो उसके लिए भी रेडी रह जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।